सर आपके पास आना चाहूँगी। हरि गोपाल गर्ग जी, हम BSF की ही बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आपने वो तमाम जो तुलनात्मक ढंग से कहें कंपेरिजन देखा होगा कि जवानों के पास क्या है और आपके पास क्या है, आपके जवानों के पास क्या है, दर्द कैसा है। अभी इम्पोर्टेंट मुद्दा मेरे हिसाब से है वो ये है कि जब ये फोर्सेस खड़ी हुई और जो भी कानून उस समय बने वो कानून वो बने जो कि ब्रिटिशर्स ने हमें कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे जी। और उन्हीं को छोटा मोटा अमेंड करके लागू कर दिया गया। 70 साल बीत चुके हैं। अब ये जरूरी ये है कि क्या वो कानून जो 70 साल पहले बने क्या उनको रिव्यू करने की जरूरत है या जरूरत नहीं है, क्या आज के हालात और उस समय के हालात एक जैसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इन फोर्सेस में दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो जो इनका इंटरनल ग्रीवांस मैकेनिज्म सिस्टम है दैट शुड बी इफेक्टिव, बिल्कुल वो अभी इफेक्टिव नहीं है। नंबर टू, जितने भी कानून उस जमाने में बने उन सबको अब रिव्यू करने की जरूरत है और हम ये देखें कि जितने लॉ हमारे कंट्री में हैं और जो लॉ आर्म फोर्सेस के BSF CRPF वगैरह के जवानों को डील करते हैं उनमें कम से कम कुछ तो बैलेंस हो।